एकत्रीस वर्षीय गो पर्यावरण अने आध्यात्मिक चेतना पदयात्रा हल्दी घाटी संपूर्ण भारत वर्ष में भ्रमण करना है। सतत 10 वर्ष 92,000 किलोमीटर थी चालता भरूच पावनधरा पर गौ यात्रा साथ तपस्वी संत पधारिया और धर्मप्रेमी जनता तेमना दर्शन करने उमटी पड़िया था। अंकलेश्वर नागलगाम खाते पहुंचेला गौ पर्यावरण यात्रा ग्रामवासियों द्वारा भव्य स्वागत कर यात्रा गौ सेवा पर्यावरण और समाज सुधारा पोता आश्रम छोड़ी उघाड़ा पगे नगर नगर में जईने समग्र भारत में भ्रमण साथ संत जनजागृति कर रहा है। गौ यात्रा में पूज्य संत अने पोताना प्रवचन में गौ माता नो महिमा वर्णव्यो हतो। आ साथे ज गौ हत्या बंद थाय एना उपर विशेष भार मुकवामां आव्यो हतो, तेमज आध्यात्मनो प्रचार प्रसार पण करवामां आव्यो हतो। जय गोपाल। आज 31 वर्षीय गौ पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना पदयात्रा का शुभगमन अंकलेश्वर के नागल गांव में हुआ है। यात्रा आज से 10 वर्ष पूर्व 4 दिसंबर 2012 को महाराणा प्रताप सिंह जी की वीरभूमि हल्दीघाटी राजस्थान से निकली। अब तक इस यात्रा ने 92,000 किलोमीटर की दूरी को नंगे पैर पैदल पैदल पार कर लिया है। 20,000 गाँव कस्बों शहर ढानियों में होते हुए यात्रा आज सूरत के नागर में पहुँचे हैं और इसी तरीके से यात्रा 3 दिसंबर 2043 तक अनवरत रूप से चलती रहेगी। यात्रा के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य है, पर्यावरण की रक्षा हो, अध्यात्म का प्रचार प्रसार हो ताकि पाखंड अंधश्रद्धा समाज से मिटे और गाय माता के वैज्ञानिक भौतिक और शास्त्रीय महत्व को समझ करके समाज गौ माता से जुड़े और सुखी जीवन की ओर बढ़े। यात्रा का एक सुंदर सा नियम भी है, यात्रा के यात्री पदयात्री कार्यकर्ता कभी किसी के घर नहीं जाते, कहीं से किसी भी प्रकार का दान भेंट उपहार नहीं लेते और इसी तरीके से यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करें।